हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं क्लास 12 का अल्टरनेटिव इंग्लिश की प्रोज सेक्शन का लेसन द वर्जर का मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी। इसके पहले मैंने अल्टरनेटिव इंग्लिश का कई लेसन्स जैसे ए कप ऑफ टी, द वॉयस, ओजिमेंडियस ऑफ इजिप्ट और लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री अपलोड किया है और ये सारे लेसन्स मैंने एक्सप्लेन किया है, वो देख लीजिएगा। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन, द वर्जर इज एन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय विलियम सोमरसेट मोम। द वर्जर विलियम सोमरसेट मोम के द्वारा लिखी गई एक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी है। पॉइंट टू, एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन वॉज ए वर्जर ऑफ सेंट पीटर्स नेविल चर्च, नेविल स्क्वायर। एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन सेंट पीटर्स नेविल स्क्वायर चर्च की एक वर्जर था। वर्जर मीन्स केयरटेकर एंड अटेंडेंट या सेवक था। दो ही वॉज एन इलिटरेट पर्सन, स्टिल ही परफॉर्म्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज विथ डिवोशन एंड पेशन। हो सकता है उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, तब भी वो अपना ड्यूटीज और जिम्मेवारियों को भक्ति और जुनून के साथ निभाता था। पॉइंट थ्री, द न्यू विकर्स एंट्री इनसाइड द चर्च डिसरप्टेड हिज नॉर्मल ड्यूटीज। जब से न्यू विकर यानी कि चर्च का नया प्रतिनिधि चर्च में एंट्री मारा, तब से एल्बर्ट का नॉर्मल ड्यूटीज में गड़बड़ी शुरू हुआ। द न्यू विकर केम फ्रॉम ईस्ट एंड, नया विकर आया था ईस्ट एंड से। पॉइंट फोर, एल्बर्ट स्पेंट 16 ईयर्स सर्विंग एट सेंट पीटर्स चर्च। एल्बर्ट सेंट पीटर्स चर्च में 16 ईयर्स बिता दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ही गॉट द प्रमोशन ऑफ चार्ल्स वर्जर। इस दौरान उसको हार्ड वर्क और डेडिकेशन का वजह से चार्ल्स वर्जर का प्रमोशन मिला। पॉइंट फाइव, एल्बर्ट बिगेन हिज प्रोफेशनल लाइफ एज ए पेज बॉय इन द हाउस होल्ड ऑफ ए मर्चेंट प्रिंस। एल्बर्ट प्रोफेशनल लाइफ शुरू किया था एक राजकुमार व्यापारी परिवार में एक पेज बॉय के रूप में। पेज बॉय माना दुल्हन का सहायक, यानी कि ए यंग बॉय हु गोज विद द ब्राइड इनटू द चर्च। पॉइंट सिक्स, वन डे आफ्टर क्रिस्टनिंग सेरेमनी द न्यू विकर कॉल्ड द वर्जर टू द वेस्ट्री। एक दिन क्रिस्टनिंग सेरेमनी यानी कि चर्च में नामकरण समारोह के बाद नया विकर एल्बर्ट को वेस्ट्री में बुलाया। वेस्ट्री मीन्स गिरजा सेवा रूम जहाँ गिरजा का सामान रखा जाता है। द वर्जर ओंडर्ड फाइंडिंग द टू चर्च वार्डन्स देयर एंड फेल्ट स्लाइट अनइजीनेस व्हाट वॉज द मैटर। एल्बर्ट को आश्चर्य लगा कि उस रूम में पहले ही दो चर्च वार्डन्स उपस्थित था और एल्बर्ट को थोड़ा बेचैनी सा अनुभव हुआ कि क्या बात है, व्हाट वॉज द मैटर। पॉइंट सेवन, द विकर प्रेज्ड एल्बर्ट फॉर हिज सिंसियरिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क बट ही डिसरिगार्डेड द लॉन्ग ईयर्स ऑफ हिज डेडिकेटेड सर्विस एंड विजडम अर्न्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज इलिटरेसी। नया विकर ने एल्बर्ट का ईमानदारी और सामर्थ्य का प्रशंसा तो किया, परंतु वो जो इतने सालों से चर्च में जो सेवा समर्पण किया
और उस एक्सपीरियंस से उसे ढेर सारा ज्ञान मिला, उन सबको अनादर किया, सिर्फ इसीलिए कि उसे लिखने पढ़ने नहीं आता था। नंबर 8, एल्बर्ट वॉज शॉक्ड बट ही डिफेंडेड हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट द प्रीवियस भिकर डिड नॉट माइंड इट। एल्बर्ट शॉक्ड हुआ, वो खुद को बचाने के लिए कहा कि पहले का भिकार इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता था। ही ऑल्सो एडेड दैट ही कुड मैनेज एवरीथिंग वेल विदाउट एजुकेशन। एल्बर्ट ने ये भी बोला कि बिना एजुकेशन के वो सब कुछ मैनेज कर लेते थे। पॉइंट नंबर 9, द न्यू भिकार वॉज डिटर्मिंड and gave the verger an option to learn reading and writing within 3 months. New vicar बहुत जिद्दी था और उसने एल्बर्ट को एक ऑप्शन दिया कि तीन महीने का अंदर अगर वो लिखा पढ़ा नहीं सीखा, if he would fail to do so, he would be terminated from the job. अगर 3 महीने का अंदर वो लिखा पढ़ा नहीं सीखा तब उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पॉइंट 10, द भिकार ऑल्सो सेड दैट दे वुड नॉट टेक द रिस्क ऑफ सम एक्सीडेंट कॉज्ड ड्यू टू डिप्लोरेबल इलिटरेसी। न्यू भिकार ने ये भी कहा कि उसके डिप्लोरेबल इलिटरेसी यानी कि निंदनीय निरक्षरता के लिए जो समस्याएं उस पर बीतेगी वो रिक्स वो लोग नहीं लेगी। पॉइंट 11, द वर्जर टर्न डाउन हिज प्रपोजल एंड प्रिफर्ड टू रिजाइन बिलीविंग दैट इट वॉज टू लेट टू लर्न। वर्जर यानी कि एल्बर्ट ने भिकार का प्रपोजल को ठुकरा दिया और रिजाइन देने को पसंद किया, यही सोचकर कि अब लिखना पढ़ना सीखने के लिए बहुत देर हो चुका है। पॉइंट 12, आफ्टर रिजाइनिंग द वर्जर बिकेम डिप्रेस्ड। रेजिग्नेशन देने के बाद वर्जर डिप्रेस्ड यानी कि उदास हो गया। ही वॉज नॉट विलिंग टू बिकम सर्वेंट अगेन बिकॉज ही हैड बीन हिज ओन मास्टर। अभी उसे फिर से सर्वेंट नहीं बनना है कारण वो खुद ही अपना मास्टर है। पॉइंट 13, व्हाइल गोइंग होम ही टूक ए रॉन्ग टर्न एंड नीडेड ए सिगरेट बट कुड नॉट फाइंड वन ऑन दैट स्ट्रीट। जब चर्च से घर की तरफ जा रहा था तब वो थोड़ा टाइम के लिए गलत मोड़ लिया और वो गलत मोड़ था, उसे एक सिगरेट चाहिए था अपना उदासी को दूर करने के लिए, लेकिन उस स्ट्रीट पे उसे एक भी सिगरेट नहीं मिला। 14, देन ही डिसाइडेड टू ओपन ए टोबैको शॉप देयर एंड ए न्यूज एजेंट। तब एल्बर्ट ने वहाँ एक टोबैको शॉप खोलने का डिसीजन लिया और साथ साथ एक न्यूज़ एजेंट के रूप में काम करने की तय किया। पॉइंट 15, फर्स्ट ही बिगेन विथ ए स्मॉल शॉप, देन ही ओपेंड ए सेकेंड शॉप एंड केप्ट ए मैनेजर। पहले उसने एक छोटा सा शॉप खोला, उसके बाद दूसरा खोला और एक मैनेजर रखा। विद इन 10 ईयर्स ही बिकेम द ओनर ऑफ 10 शॉप्स। 10 साल का अंदर वो 10 दुकानों का मालिक बन गया। पॉइंट 16, ही सेव्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक, फाइनली ही बिकेम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बैंक में वो अच्छा खासा पैसा सेविंग किया और फाइनली वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। पॉइंट 17, ईयर्स आफ्टर When Albert was asked to sign some papers and invest his money at the bank, he discovered that he was illiterate. बैंक में वो अच्छा खासा पैसा तो जमा कर लिया था, इसीलिए
कई सालों के बाद जब एल्बर्ट को कुछ बैंक पेपर्स में साइन करने के लिए और बैंक में मनी इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया, तब उसने कहा कि वो अनपढ़ है। पॉइंट 18, द बैंक मैनेजर बिकेम एस्टोनिस्ड दैट हाउ दिस मैन अनेबल टू रीड एंड राइट हैड अकॉम्प्लिश्ड हिमसेल्फ। बैंक मैनेजर आश्चर्य हुआ कि अनपढ़ होकर भी उसने खुद को कैसे अकॉम्प्लिश यानी कि संपूर्ण बनाया। पॉइंट 19, द मैनेजर आस्क्ड एल्बर्ट व्हाट ही वुड हैव डन इफ ही कुड रीड। बैंक मैनेजर एल्बर्ट को पूछा कि वो अगर लिखा पढ़ा होता तब क्या करता। एल्बर्ट सिंपली रिप्लाइड दैट ही वुड बी ए वर्जर। एल्बर्ट ने सिंपली जवाब दिया कि वो भार्जार बनता। पॉइंट 20, द स्टोरी गिव्स अस ए मैसेज दैट इन स्पाइट ऑफ इलिटरेसी ए मैन कैन बिकम वेल्दी बाय मीन्स ऑफ हिज सिंसियरिटी एंड इंटेलिजेंस। ये स्टोरी हमें एक मैसेज देता है कि अनपढ़ होने के बावजूद भी एक व्यक्ति धनी बन सकता है और इसके लिए उसे चाहिए सिंसियरिटी, ईमानदार एंड इंटेलिजेंस और बुद्धि।